तो 5 सदस्यीय, लेकिन वो उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांग जल्दी से हो जाएगी, लेकिन आश्वासन दिया लिखित रूप में नहीं। हम लोग को कहा गया अगर आप लोग मानने के लिए, हमारी अकेले राय नहीं है, अगर एसटीईटी अभ्यर्थी अगर कहेगी तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी। लिखित रूप में नहीं कुछ मिला है, लिखित रूप में कुछ नहीं मिला है, सिर्फ वही काम जो महीनों महीनों से हो रहा था, आश्वासन, सिर्फ आश्वासन का काम मिला है। बहुत उनका हम लोग पैर पकड़े, उनका पैर भैया क्या बताएं, हम तो वहाँ पे वीडियोग्राफी आप होते तो हम सामने दिखाते हैं, उनका हम लोग पैर पकड़े, हाथ जोड़े हुए थे कि सर अब एकदम एक मिनट भी देर मत कीजिए, क्योंकि गरीब लाचार असहाय कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक दुख झेलते रहेंगे, बहुत सारे विकलांग हैं, महिलाएं ऐसी हैं, कब तक दुख झेलेंगे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, अब हम लोग को हर हाल में सर्टिफिकेट चाहिए और हर हाल में हम लोग को जितना रिजल्ट है उतना हम लोग को नियुक्ति चाहिए, ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या कोई और पद की नौकरी हो, वहां पे युवाओं को रोजगार पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आज एक बार फिर से एसटीईटी अभ्यर्थियों की तरफ से सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि आखिर जब उन्होंने 2019 में नौकरी दी थी वो क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद आखिर अब तक सर्टिफिकेट उन्हें क्यों नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि आज पटना की सड़कों पर एसटीईटी अभ्यर्थियों की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। ऐसे में किस तरह से ये प्रदर्शन इस वक्त एसटीईटी अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है उनका, और किस तरह से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर ये अभ्यर्थी उतरे हैं, आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिए। आगे की रणनीति हम अकेले तय नहीं कर सकते हैं, आगे की रणनीति हमारे 38 जिला के एसटीईटी अभ्यर्थी तय करेंगे। हाँ, हम लोग अकेले तय नहीं करेंगे, क्योंकि आश्वासन है कि एक महीना के अंदर आप लोग को हो जाएगा। जब हम लोग गए बात करने तो मैंने स्पष्ट शब्दों में, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, आप जो आश्वासन दे रहे हैं उसका कोई लिमिट है, अपर लिमिट? मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में पूछा कि सर कोई अपर लिमिट है, तो उन्होंने कहा आपके रिजल्ट की और सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को हम अपर लिमिट नहीं बता सकते। मैंने बोला सर हम कब तक वेट करें, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने ये भी कहा कि सर संजय कुमार जी ने या और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ये आया है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा बहाली शुरू हो जाएगा। आज 14 फरवरी है और दिन ही कितने बचे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हम आपको इतना ही बता सकते, अब कितना समय लगेगा इसका हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए ही उन्होंने कहा कि वो प्रक्रिया में है और हो सकता है कि 15 दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 महीना लगे, उसका उन्होंने डेट कोई भी नहीं बताया। हमने कई बार पूछा कि सर एक अपर लिमिट बता दीजिए, कि मिनिमम नहीं अपर ही बता दीजिए कि इतने दिनों में मिल जाएगा, उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं कहा कि कब तक मिलेगा और क्या मिलेगा। मैंने कई बार उनसे ये पूछा, लेकिन लास्ट तक हमें सिर्फ ये आश्वासन मिला कि आपका काम हो रहा है, हम लोग भी चिंतित हैं। 2 साल से तो हो ही रहा है ये, हम लोगों ने ये बात बिल्कुल नहीं संतुष्ट है मैम। हम लोगों ने बोला है कि हम लोग अध्यक्ष जी से मिलके जाएंगे, उन्होंने भी आनंद किशोर जी जो है उनसे हम लोग मिलके जाएंगे, उन्होंने उस पर नहीं, अभी परीक्षा नियंत्रक जो रहमान सर है हम लोग उनसे मिले हैं, ये लोग बता रहे हैं कि वो महीने में एक बार आते हैं, नहीं भी आते हैं आप लोग, तो हमने बोला हम इंतजार करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारी उनको तुरंत में नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं। बिहार गजट 2019 में वर्णित जो पृष्ठ संख्या 5 के पॉइंट 4 जो भी दिए गए हैं वो लागू करने के लिए ये लोग जो है अपने अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं। उसके बाद एसटीईटी 2019 जो भी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए अविलंब नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आंदोलन हो रहा है। वित्तीय सत्र 2022-23 में एसटीईटी 2019 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन मद राशि को प्रावधान करने हेतु ये आंदोलन हो रहा है। इस तरह के जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए, शिक्षा में कंप्यूटर जो विषय है, कंप्यूटर साइंस है, उसको अनिवार्य मानते हुए उसे शिक्षा में बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है, निचले स्तर के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें शामिल करने की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर से इन लोगों को हटाने की पुरजोर कवायद कर रही है। और यहाँ जो छात्र हैं, एक छोटा बच्चा भी है जिसे आप देख सकते हैं, वो भी एक अपनी माँ के साथ खड़ा है यहाँ पे। और वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन उसकी माँ भी जो है वो यहाँ खड़ी है धरना प्रदर्शन में, इसलिए वो भी खड़ा है। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो भविष्य है उसकी माँ में नजर आ रहा है। और एक विकलांग भी है यहाँ पे, दिव्यांग भी है, राज मल्होत्रा, शायद ये अरवल जिला के हैं, वो दिव्यांग हैं। और इनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ अपने हक के लिए मांग करने को यहाँ मौजूद हुए। हम बात करते हैं एक ऐसे अभ्यर्थी से जो कैमूर से आए हैं, और वो किस तरह से यहाँ पे कितनी बार आए हैं, कितने अधिकारियों से मिले हैं, और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राजीव कुमार सिंह मेरा नाम है। सर मैं कैमूर के खुदरा प्रखंड से आया हूँ, और मैं नीतीश बाबू को सबसे पहले ये नहीं कहना चाहिए, हम शिक्षक हैं, लेकिन हमको लालच है नौकरी का और नीतीश बाबू को लालच है शासन का। अब शासन में कैसे रहेंगे? बिहार के वो बच्चे हाई स्कूल में आप देख रहे हैं, मिडिल स्कूल वाले से पढ़वा रहे हैं, हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, और भी मिडिल स्कूल में कहीं शिक्षक है कहीं नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में, क्योंकि मिडिल स्कूल में ही जब शिक्षक नहीं है तो उनको उठा के। एक्चुअली भाई आप लोग 3 साल से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित हैं, पूरा मसला ये है कि 12 मार्च को 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना था, रिजल्ट आ गया, ठीक ना। उसके बाद 3 सब्जेक्ट का पेंडिंग था जिसको 22 जून को लाना था, जो कि आनंद फानंद में 21 जून को लाया गया, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 24,599 क्वालिफाइड थे, ठीक ना, जितना सीट था। 3 महीने के दरमियान में ऐसा बैकडोर एंट्रीज हुआ है कि डाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी 80,000 तक डाटा पहुँच गया। अब मान लेते हैं कि यदि आपको CBI जाँच करवाएं तो CBI जाँच करवाइए, ठीक ना, नो डाउट। लेकिन यदि आपके पास सीट भी खाली है, यदि 4 लाख से ऊपर पद खाली है बिहार में, तो भाई क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एग्जाम है, सीनियर सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक ना, तो 9th, 10th, 11th, 12th के टीचर्स हैं। और आपको पता होगा भैया कि PTR रेशियो जो होता है, पुपिल टीचर रेशियो जो है, वो बिहार का 100:1 है, डैट मीन्स कि बहुत पुअर है, ठीक ना। जो कि हाल में समीक्षा बैठक हुआ है उसको दिखा दिया जा रहा है कि 40:1 पर पहुँच गया है, जबकि अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और 8 साल के बाद भैया, 8 साल के बाद ये पहला एग्जाम हुआ है बिहार में जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, और 2 बार हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। 1 बार तो ऑफलाइन हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हम लोग एग्जाम दिए, चलो अच्छी बात है। एग्जाम देने के बाद भी इतना धांधली हुआ, ठीक ना। मान लेते हैं यदि आपने बैकडोर एंट्रीज की है, तो या तो बैकडोर एंट्रीज को छाटिए या फिर जो भी क्वालिफाइड है। तो आपको बताएं कि 2019 में ही जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वालिफाई करने के बाद भी अब तक इन अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और यही वजह है कि ये नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगर कहीं अप्लाई करने के लिए जाते भी हैं तो वहां पे सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा जाता है, और यही वजह है कि परेशान होकर आज सड़कों पर ये STET अभ्यर्थी उतरे हैं और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।